वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनीमे एयर हो रहा है जीशु काइसन। उसके अभी टोटल 18 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और कुछ एपिसोड ही बाकी हैं। मैंने अभी इस टाइप की वीडियो जीशु काइसन के किसी भी एपिसोड के लिए नहीं बनाई है। इवन हमें जो सुकुना वर्सेस मेहरोंगा की एपिक बैटल देखने को मिला था, एपिक फाइट देखने को मिला था, उसके लिए भी मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि मापा ने 18 एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा प्रोवाइड करा है ना, लिटरली मैं मापा का फैन हो गया हूँ। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा था मापा एक एनिमे के एपिसोड में इतना जान डाल देगा कि इतने ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करेगा ना, कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि कोई ऐसा कर सकता है स्टूडियो अपनी तरफ से। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ना गेगे से इसलिए गुस्सा हूँ, गेगे ने ना ननामी को बहुत गंदी तरह से मारा है। उसका फुल पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिला ननामी का। ननामी एक ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर माना जाता था जीशु काइसन के अंदर, बट गेगे ने ना ननामी को इतनी गंदी तरह से मार दिया ना, ना हमें ननामी की ट्रू पोटेंशियल देखने को मिला, ना उसका पावर अप देखने को मिला, और ना ही ननामी का कोई एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिला इस फाइट के दौरान। पर ननामी स्टिल हमारे दिल के अंदर एक जगह बना लिया है इस लास्ट एपिसोड के बाद में। जिस ब्यूटीफुल तरह से मापा ने उसको रिप्रेजेंट करा ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मांगा खोल के देखोगे, मांगा के अंदर ननामी को ऐसे ही मार दिया, लिटरली ऐसे ही मार दिया। बट मापा ने जिस हिसाब से रिप्रेजेंट करा था ये ब्यूटीफुल फाइट, जहाँ पे ननामी आँख बन करके फाइट कर रहा होता है, वो अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो एक पैराडाइज में है, बट रियली में वो कर्स स्पिरिट को मार रहा होता है। बंदा ना आधा फूका हुआ है तभी भी कर्स स्पिरिट से फाइट कर रहा है, और अगर कोई कर्स स्पिरिट ननामी पे हमला भी कर देना, उसको ऐसा लग रहा है वो पानी का फ्लो है, उसके थ्रू वो वहाँ पे हिल डुल रहा है, अपने आप को जहाँ पे इमेजिन कर रहा है, और रियल लाइफ में वो सारे कर्स स्पिरिट को बैडेस्ट वे में मान रहा है। लिटरली ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना कि इस सीन ने मेरा दिल जीत लिया। पता है अगर ये सीन ना डायरेक्ट थिएटर पर लगा होता ना, सारे फैंस सीटी बजा रहे होते, इतना बैडेस्ट सीन था। और ना मुझे वो सीन सबसे ज़्यादा पसंद आता है जब कर्स स्पिरिट ननामी को थप्पड़ मार रहे होते हैं, पर ननामी को ऐसा फील होता है वो पानी से अपना मुँह धो रहा होता है। इतना ब्यूटीफुल सीन था ये। जब मैंने ये सीन देखा था ना, मेरे को दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बिकॉज किसी के लिए भी मरना ना एक लास्ट ऑप्शन होता है। ननामी चाहता तो यहाँ पे भाग भी सकता था जब वो आधा जल गया था अपने आप को बचाने के लिए, पर उसको पता था इस फाइट के अंदर उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। गोजो नहीं है, आधे सोसरर मर रहे हैं, और अगर ननामी इस फाइट को छोड़ के भाग गए ना, जो अभी सोसरर बचे हैं ना उनके लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ननामी उनको बचाना चाहता है, इसी वजह से ननामी की इस कंडीशन के बाद भी ननामी अपनी फाइट में उतरा जहाँ पे उसने अपना बेस्ट दिया था। और बताऊँ ये चीज़ मांगा के अंदर कहीं नहीं प्रेजेंट है। जिस पैराडाइज पे ननामी है वो मांगा के अंदर हमें झलकाया तक नहीं है, दिखाने की तो दूर की बात। पर मापा ने अपनी तरफ से ये सारे सीन्स को ऐड करा है और हमें दिखाया है। ये आप ये बात सोचो, मापा की जिस टीम इस एनिमे पे काम कर रही है वो कितना ज़्यादा इस एनिमे को समझते होंगे। देखो नो डाउट पिछले कुछ एपिसोड में एनिमेशन खराब कर रहा था मापा, उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है, लैक ऑफ वर्कर्स या कुछ भी, बट उन्होंने जो चीज़ हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है वो मुझे बहुत पसंद आई है। और फिर जब ये सीन ख़त्म होता है और ननामी ये बोलता है इतादोरी इसके बाद सब कुछ तुम संभालना, और इसके बाद हमें ननामी का आखिरी मोमेंट का वर्ड देखने को मिलता है जो ये था, ये बहुत ब्यूटीफुल सीन था जहाँ पे लिटरली हम फैंस के सारे दिल के आर पार ये डायलॉग गया होगा। इसके बाद हमें एक एपिक फाइट देखने को मिलता है यूजी वर्सेस महिटो। इस फाइट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस फाइट हुई जो आपने देख लिया होगा। और जो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी जो कभी भी आपने एंटिसिपेट नहीं करा होगा। नोबारा वर्सेस महिटो की जो फाइट होने वाली है उसके अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आप फैंस को रुला के दिख देंगे, तो आप तैयार रहना अगले एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है ना, लिटरली आप सबने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा वो चीज़। बाकी मैं अगले एपिसोड के लिए आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। और क्या आपने सीजन 2 के अंदर ध्यान दिया, बहुत सारे जीशु काइसन करेक्टर मारे गए हैं, और सीजन 2 एक जैसे ऐसा सीजन है जिसके अंदर मैक्स करेक्टर मरे हैं जीशु काइसन के अंदर, और जहां तक इवन गोजो तक ट्रैप हो गया है हमारे प्रिज्म रियाल में, और यही इवेंट होगा बाद में जाके गोजो जब प्रिज्म रियाल से निकलेगा तो कुछ 4-5 एपिसोड के अंदर ही उसको काट देगा सुकना। तो ये सीजन एक वर्स्ट सीजन था मेरे ख्याल से जीशु काइसन हाई स्कूल के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है सीजन 2 के अंदर।
तो उसके बाद देखना होगा कि गेगे हमें क्या दिखाता है और कैसे करता है। अभी मांगा स्टिल इन गोइंग में, तो मांगा बहुत हाइप अप में चल रही है, तो देखते हैं क्या है। और सिर्फ मैं हर मांगा के ब्रेकडाउन करते रह रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्प्रोग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।